सवाल किया, दाढ़ी को एक मुश्त के बाद काटा जा सकता है? वैसे तो अगर पिछले दर्स में, पिछले से पिछले दर्स में आप हाजिर थे, फ़ख़्फ़ुल लिहा, दाढ़ी को मुआफ़ कर दो, अरख़ुल लिहा, दाढ़ी को लटकाओ, वफ़िरुल लिहा, दाढ़ी को वाफिर करो। क्या मतलब वाफिर करने का? एक बलिश, एक मुठ तक या उससे ज़्यादा वाफिर करो, दाढ़ी को मुआफ़ करो। कैसे मुआफ़ करें? काट कर। आपके साथ किसी ने कोई मामला किया हो तो आप मुआफ़ करते हैं, तो दो थप्पड़ लगा के मुआफ़ करते हैं कि वैसे करते हैं? बोले फॉरगिवनेस इज़ बेटर देन रेवेंज। क्या मतलब? छोड़ देने, इंतकाम लेने से बेहतर है। और आपको एक राज बता दो, बताएं सबसे शरीफ चीज़ दुनिया में कौन सी है? कौन है सबसे शरीफ? तो यही दाढ़ी है। आप दुनिया में किसी को थप्पड़ मार के देखें, थप्पड़ नहीं मार सकते, गाली जरूर देगा, सामने नहीं देगा, दूर जाके देगा। ये ऐसी शरीफ चीज़ है, रोज़ाना इसको कत्ल करते हैं लोग। दो दिन नहीं गुजरते, क्या कहती है? अस्सलामु अलैकुम, मैं फिर आ गई हूँ। वो कहते हैं पकड़ो इसको, दोबारा उसको कत्ल करता है। दूसरे दिन फिर कहती है अस्सलामु अलैकुम, मैं फिर आ गई हूँ। तो शरीफों के साथ तो ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए।